गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं बहराइच और बहराइच में कुछ फेमस जगहों को आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। और अभी हम मैं अपने गांव पर हूँ। गांव का हालचाल एकदम ठीक ठाक है, बिल्कुल एकदम फ्रेश। और यहाँ गेहूँ का सीन आप देख सकते हो, गेहूँ में बाली आ गया है, जैसा कि अभी ये देख लो, ये बाली है गेहूँ का। और जब ये पूरा का पूरा एरिया जितना दिख रहा है गेहूँ वाला, सारे जब पक जाएंगे तो सारे सूखे सूखे लगेंगे, फिर इसकी कटाई होगी। फाइनली अभी आ चुके हैं हम इकौना में और ये है गाड़ी, अब इसी से हम जाएंगे बहराइच। चुके हैं बहराइच में हम, और ये है पीछे दिख रहा है, ये डिगिया है। और इकौना से जो बहराइच का रोड है बहुत ही शानदार रोड है। और किराया की बात करें तो किराया मतलब इकौना से बहराइच का किराया लगभग 40 रुपये लगता है, 40 रुपये भी हमने देख कर आए हैं। और बस का किराया भी ऐसे लगभग होगा 40 या 42 करके। तो हम प्राइवेट गाड़ी से आए हैं और बहराइच देख सकते हो कितना सुंदर सिटी है। बहराइच में मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, अगर उसको देखना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। लेकिन वो वाला वीडियो जो बनाया था वो वाला थोड़ा अच्छा नहीं बना था, फिलहाल आज सोच रहे हैं थोड़ा अच्छा वीडियो बनाएं। और ये एरिया पूरा का पूरा एरिया डिगिया के नाम से प्रसिद्ध है। और इधर आप देख सकते हो होटल बंधन एंड रेस्टोरेंट, जो कि काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये वाला एरिया जो है बहराइच का काफ़ी फेमस एरिया है, ये डिगिया चौराहे के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर शोरूम है, मतलब कई शोरूम हैं यहाँ पर, जैसे वी मार्ट हैं और सारे हैं। ये वाला चौराहा जो दिख रहा है यही डिगिया का फेमस चौराहा है। एंड इधर देख लो कितने शोरूम हैं। ये हमने कोई मतलब साधन पर नहीं बैठे हैं, मतलब चार्ज वाली गाड़ी जो आती है बहुत से बहराइच में चलते हैं, टेम्पो चलता है, पर हम सोच रहे हैं कि पैदल ही ट्रेवल करूँ और आप लोगों को दिखाता चलूँ। और अभी जो इधर वाला ये वाला हॉस्पिटल दिख रहा है, ये बच्चों का हॉस्पिटल है। और ये सब सारे फेमस हैं यहाँ बहराइच। ये वाला शोरूम B2 जो आपको दिख रहा है, ये वाला फिलहाल अभी नया खुला है, अभी जल्दी खुला है। फिलहाल कितना शानदार है जैसा कि आप देख सकते हो। जैसा कि अभी आ चुके हैं जिला अस्पताल के सामने, और ये है जिला अस्पताल बहराइच का। फिलहाल ये देख लो कितना बड़ा अस्पताल बना हुआ है, देख लो सीन यहाँ का, बहुत ही परफेक्ट सीन है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा फेमस एरिया है ये भी बहराइच का, जिला अस्पताल के सामने सारे मेडिकल भी हैं, बहुत सारे मेडिकल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल सारे मेडिकल ही मेडिकल हैं। एंड अभी आगे चलते हैं, अभी आ चुके हैं बहराइच के अस्पताल चौराहे पर। और अस्पताल के चौराहे के बगल में ये है मंदिर, माता जी का मंदिर है। और ये तो दिख रहा है चौराहा, यही है अस्पताल चौराहा, यहाँ बहराइच का फेमस अस्पताल चौराहा। अस्पताल चौराहा सभी लोग जानते हैं। और देख लो वहाँ ऊपर सजाया गया है, तो बहराइच में कोई सीन की कमी नहीं है, जहाँ चाहो ऐसा सीन लो, बहुत सारे सीन यहाँ आपको मिल जाएंगे। और बिल्डिंग वोल्डिंग जो दिख रहा है, बहुत सारे बिल्डिंग आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ बहराइच में क्या है दोस्तों कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, तो सभी मतलब लोगों का इलाज भी यहाँ पर होता है बहराइच में। और लखनऊ के बाद जो किसी शहर का नाम आता है यही बहराइच है दोस्तों। बहुत ही साफ सफाई भी है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड अभी आ चुके हैं महाराज सिंह इंटर कॉलेज के सामने, ये है महाराज सिंह इंटर कॉलेज बहराइच का, जैसा कि अभी आप देख सकते हो। ये महाराज सिंह इंटर कॉलेज बहुत ही फेमस कॉलेज है बहराइच का, किसी से भी पूछोगे तुरंत आपको एड्रेस बता देगा। एंड ये आगे का गेट जो दिख रहा है, गेट है और इसके अंदर में कॉलेज है बना हुआ है, और आगे मतलब पार्किंग होती है। जब कोई बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होता है तो यहाँ पर पार्क में प्रोग्राम होता है। एंड इधर देख लो वहाँ पर गुड्डे बिक रहे हैं सारे, और इधर मार्केट लगा है, देख लो टी शर्ट शर्ट सारी चीज़ आप शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पर। और इधर भी आप देख सकते हो कितना बड़ा पॉली क्लिनिक बना हुआ है। एंड इधर शोरूम, बहराइच में दोस्तों डॉक्टर और शोरूम की कमी नहीं है। ये है इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बहराइच का, खेल मैदान
जिसे कह सकते हो आप लोग। और यहाँ लिखा हुआ है जिला खेल कार्यालय बहराइच, तो अंदर खेल का मतलब मैदान है और बिल्डिंग भी है। अभी यहाँ जो देख रहे हो ये बहराइच में होटल केडी पैलेस, जैसा कि देख सकते हो कितना शानदार होटल है एंड सारे बिल्डिंग जैसा कि आप देख सकते हो एंड इधर छोटे मोटे शोरूम। अभी हम बहराइच से वापस आ चुके हैं और रास्ते में हैं, फिलहाल अभी जा रहे हैं घर। और इकौना में थोड़ा सा रुके थे हम, सामान वामान लेना था कुछ। होली आ रहा है, परसों होली है, तो होली का सामान कुछ घर के लिए लेना था और चंपू के लिए भी कुछ सामान लेने थे, तो हमने ले लिया है। और यहाँ जैसा कि अभी देख लो यहाँ झोले में रखा हुआ है, फिलहाल चलेंगे घर पर और चंपू को कुछ सामान देंगे, कुछ घर पर रखेंगे। और इधर जो मैंने अभी दिखाया है आपको, ये पीछे जो मेरे दिख रहा है भट्टा है, दरी भट्टा है और ये अभी नया खुला हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ खुला, लगभग एक साल हुआ है। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी बेस्ट लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भाई घंटी भी अच्छे से बजा दें। और उसके बाद में इस वीडियो को करते हैं एंड और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।